नमस्कार, मैं हूं अनुष्का अग्रवाल। जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। जहां है आपकी नजर, वहां है जेएनआई की खबर। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने करवाया छिड़काव। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान नूरापुर ने करवाया गाँव सैनिटाइज। सबका साथ सबका विकास के साथ सबकी हितैषी बनी महिला प्रधान। जैसे कि आपको बता दूं, कोरोना महामारी को देखते हुए विकास खंड सिद्धौर की ग्राम पंचायत नूरापुर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हौसला प्रसाद वर्मा सिद्धौर, ग्राम प्रधान अजोवा गणेश कुमार, हिम्मतपुर ग्राम प्रधान लायक राम यादव, बीडीसी संजय कुमार, मखदूमपुर वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह, ग्राम पंचायत नूरापुर के सानिध्य में पूरे ग्राम पंचायत में सैनिटाइज का छिड़काव करवाते हुए अब उनके विकास करने की बात कही। इस अवसर पर त्रिलोकी सिंह पूर्व प्रधान, अशोक सिंह, अमर सिंह, राम कुमार सिंह, अमर सिंह कोटेदार सफाई कर्मचारी, दुखी राम पूर्व प्रधान नूरापुर तेजऊ, दिलीप सिंह, वीरेंद्र सिंह फौजी एवं नूरापुर पहाड़पुर समस्त ग्राम पंचायत की लोगों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छिड़काव करवाया गया। आइए देखते हैं बाराबंकी से ब्यूरो चीफ शेर बहादुर शेरा की खास रिपोर्ट। सच वही जो जेएनआई न्यूज दिखाए। इस ग्राम पंचायत की सारी जनता समान है, जो भी कार्य होगा उसका पूरी लगन के साथ उसका कार्य भी किया जाएगा, पात्रता के हिसाब से उसका कार्य किया जाएगा। हम अपने गांव में जो है समस्त विकास कार्य का कार्यक्रम करेंगे। जो है मेरे लिए समस्त ग्राम सभा की जनता एक समान है। मैं सभी वर्गों के लिए एक समान एक दृष्टि से सभी के लिए कार्य करता रहूँगा। जो है मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, ग्राम पंचायत नूरापुर है। विकास का मुद्दा यह है कि हमारे जो नव निर्वाचित प्रधान हैं वो अपने स्वभाव से बहुत ही मृदुल और संयमित हैं। अपने हिसाब से वो कार्य करेंगे और हमें यह आभास है कि वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। वर्तमान समय में COVID-19 बहुत ज़बरदस्त एक महामारी है, जो कि काफ़ी जनसंख्या इससे प्रभावित है और लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जो भी प्रधान द्वारा ये सराहनीय कार्य करवाया जा रहा है उसे निसंदेह ही ग्रामीण जनता को लाभ होगा और सभी लोग इससे एक सीख लेंगे कि हमें जो है अपने संयम के साथ कार्य करना चाहिए।